तुरंत आवाज बंद. कामगार नेते खूप आहेत मुंबईत तेव्हा होते, पण आम्ही सगळे दत्ता इस्वलकर यांचाच आवाज हा गिरणी कामगारांचा आवाज मानून आम्ही गिरणी कामगारांसाठी काम करत होतो. गिरणी कामगारांना हक्काची घरं मिळावी, ज्या मालकाने गिरण्यांच्या जमिनी लाटल्या त्यांची देणी थकवली, अशा कामगारांचा सुद्धा प्रश्न घेऊन दत्ता इस्वलकर हे आयुष्यभर झगडत राहिले. मंत्रालयात मंत्र्यांकडे, कामगार न्यायालय, प्रत्येक ठिकाणी दत्ता इस्वलकर आम्हाला हेच प्रश्न घेऊन भेटत होतो. असा एक आवाज गिरणी कामगारांचा आज आपल्यातून निघून गेला हे मी तर म्हणेन महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे, पण या जगातल्या संपूर्ण शोषित पीडित कामगारांचं सुद्धा हे दुर्दैव आहे. मी शिवसेनेतर्फे गिरणी कामगारांच्या या झुंजार नेत्याला श्रद्धांजली अर्पण करतो. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्लेम किया है कि महाराष्ट्र सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है वैक्सीनेशन को लेकर के. महाराष्ट्र सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है. इस बारे में मुझे लगता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की ये कोशिश चल रही है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी. सर, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका लेखा जोखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है. जी, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका संज्ञान गुजरात हाईकोर्ट ने भी लिया है. सबको मालूम है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सभी तरह का प्रेशर है. यह प्रेशर आर्थिक है, यह प्रेशर वैक्सीन का है, यह प्रेशर बढ़ते हुए संक्रमण का है. तो एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी न करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर लोगों की सेवा करनी. अच्छा, महाराष्ट्र में आपकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेटर कल आया है, अनिल परब का नाम सामने आया है. देखो, मैं आपको एक बताता हूँ. महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश पहले दिन से चल रही है, पहले दिन से, सुबह से रात तक यही काम चलता है कुछ लोगों का. लेकिन उससे सरकार अस्थिर नहीं होगी. अस्थिर करने वाले लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है. कोई एक व्यक्ति, कोई एक आरोपी, एक ये नया एक फैशन या नया एक सगुफा शुरू हो गया है. जेल में जो लोग बैठे हैं उनके पास से कुछ चिट्ठियाँ लिख कर लेते हैं और उछाल कर सरकार के खिलाफ आवाज़ मनाते हैं कुछ लोग. ऐसे होगा तो जेल में और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है. तो आपको बताता हूँ, कोई सीबीआई के लॉकअप में है, कोई एनआई के है, कोई और किसी के है, ईडी के लॉकअप में है. जी, इस प्रकार की गंदी राजनीति इस राज्य में या इस देश में पहले कभी नहीं हुई थी. बीजेपी के भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे